हाय दिया। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवालों का समाधान। तो सबसे पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आई हैव यू नो सीन दिस क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चंस यू नो रिपीट्स। ये क्वेश्चंस बार बार आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका समाधान। देखने में बहुत बड़ा लंबा है तो इसको हम लोग शॉर्टकट वे में कम समय में किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो देखना है हम लोगों को यहाँ पर 999 999 999 999। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम लोगों को ब्रेक नहीं करना है, हम लोगों को कॉमन लेना है। तो 1 2 3 999 का एक एक दो तीन चार पाँच छः। तो 6 बार लिया तो इसको हम लोग 6 से गुना करेंगे क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः हुआ। तो 999 का हम लोग 6 बार यहाँ पर लिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 1/7 प्लस 2/7 3/7 प्लस 4/7 5/7 6/7। ये लिया क्योंकि इसका जो था ये कॉमन का हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। अब बचा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। तो इसका हम लोग अभी एलसीएम निकालेंगे। तो सभी के नीचे 7 है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग यहाँ पर 7 इसका होगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 9 54 6 9 54 एंड 5 59 9 5 रिमेन्स 69 6 9 54 54 एंड 5 59। ओके, 6 9 54 4 5 रिमेन 69 54 54 एंड 5 59 5 रिमेन 69 54 एंड 5 5 9 9 4 5 9 9 सॉरी 5 9 9 4 5 9 9 4। अब यहाँ पर है 1 2 कितना हो ये 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21/7। अब यहाँ पर जो था यहाँ से हम लोगों ने 999 का कॉमन लिया था, तो यहाँ पर अब इसको हम लोग करते वक्त यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केस दूसरा है। तो यहाँ पर हम लोगों का प्लस होगा, 7 से कितना बच जाएगा 3, तो 3 4 7 9 9 5। तो आंसर होगा हम लोगों का 5 9 7। मैं फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूंगा, जैसे कि 1 1 2/3 है तो इसको आप लोग लिख सकते 1 + 2/3 ना कि 1 × 2/3, ये गलत होगा। द सेम प्रोसेस आई हैव अप्लाइड ओवर हियर। तो देखिए इतना लंबा सवालों का हम लोगों ने कितने शॉर्टकट वे में किया। तो देखिए इसको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप पॉज करके समझिए और रिप्ले करके भी इसको देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो 47 स्पेक्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं इस सवाल को किस तरह से करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं ऑल क्वेश्चन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इस सवाल को किस तरह से करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगाना है यहाँ पर हम लोगों को। जैसे कि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी। तो इसको हम लोग ए पकड़ते हैं, इसको हम लोग बी पकड़ते हैं। ओके, तो ए प्लस बी हो गया उसके बाद ए माइनस बी। अब यहाँ पर साइन क्या है प्लस का, फिर इसको हम लोग उसी तरह से पकड़ेंगे, जोड़ा जोड़ा का पकड़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही पकड़ लेते हैं, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी हुआ। अब फिर इस जोड़ा को लेते हैं, इस जोड़ा को लेते हैं हम लोग यहां पर लेते हैं इसका ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। तो दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम लोग रख रहे हैं, तो इसको हम लोग अभी जोड़ेंगे। 7 8 15 का 5 हाथ में बचा 1, 9 9 18 18 1 19 का 9 हाथ में रहा 1, 9 9 18 1 19 का 9 हाथ में रहा 1, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इसमें क्या होगा घटेगा तो सिर्फ एक ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा।
इसके बाद यहाँ पर प्लस है, इसको फिर जोड़ेंगे हम लोग, 6 5 11 एक हाथ में एक, 9 9 18 एक 19 9 हाथ में एक, 9 9 18 एक 19 9 हाथ में एक, 1 1 2 2 1 3। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, इसमें भी घटेगा एक आएगा, एक आएगा। फिर यहाँ पर साइन क्या है, साइन यहाँ पर है प्लस का, तो प्लस डालिए यहाँ पर। फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। 9 और 9 कितना होगा, 18 का 8 हाथ में 1, 9 9 18 और 1 कितना होगा, अच्छा 4 और 3 7, 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 9 9 18 और 1 19, 1 2 3 हुआ। अब इसके साथ हम लोगों को यहाँ पर भी क्या है, इसमें जब ये घटेगा तो एक आएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 9 5 प्लस 3 9 9 1 प्लस 3 9 8 7। अब सबको हम लोगों को जोड़ना है, 7 1 8 8 and 5 13 3 हाथ में रहा 1, 8 9 17 17 और 9 कितना हुआ, 26 और 1 27 हाथ में रहा 2, फिर 9 और 9 18 18 और 9 27 27 और 2 29 का 9 हाथ में रहा 2, हाथ में रहा 2, 3 3 6 6 3 9 9 और 2 कितना होगा, 11। तो कितना है हम लोगों का, 11,973। तो ये है हम लोगों का आंसर। तो यह सवाल आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम लोगों को इसी प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो डेसिमल दिया हुआ है, इसका अंतर देखना होता है, 4 में 1 गया, 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 7 और 4 का डिफरेंस 3, डिफरेंस सेम होना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, डिफरेंस सेम होना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो। अगर डिफरेंस यहाँ पर यहाँ 3 यहाँ 2 है तो उस मेथड से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 गुना में 4 है, यहाँ पर 4 गुना 7 है, यहाँ पर 7 गुना 10, इसका हम लोग मल्टीप्लाई मानते हैं। ओके, 10 गुना यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 गुना 16 है। तो इस तरह के सवाल को हम लोगों को इस नंबर से सबसे छोटा नंबर लेना है, सबसे छोटा मतलब यहाँ पर क्या है, 1, तो 1/1, यहाँ पर 4 नहीं लेना है, यहाँ का सबसे छोटा और लास्ट का सबसे बड़ा से हम लोगों को क्या करना है, माइनस। तो लास्ट का सबसे बड़ा कौन सा है, 1/16, क्योंकि 13 तो छोटा होगा, तो 1/16। अब इसका हम लोगों को एलसीएम निकलना है, तो 16 - 1 कितना, हमने यहाँ पर 15/16 हुआ, ये हुआ। जब ये आता है तो ये आंसर हम लोगों का नहीं है। अब इस पर हम लोगों को देखना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना का था, डिफरेंस था 3 का, तो इस संख्या का हम लोगों को 3 से भाग करना होता है। तो 15/16 यहाँ पर होते 1/3, 3 5 15, तो आंसर क्या हम लोगों का, 5/16। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखने के बाद पहला वाला नंबर का सबसे छोटा और लास्ट वाला नंबर का सबसे बड़ा, इसके बाद इसका हम लोगों को घटाना है, घटाने के बाद जितना आता है उसको डिफरेंस से भाग देना होता है। शॉर्टकट में हम लोग किस तरह कर सकते थे, यहाँ पर 1 था वहां पर 16 था, तो 1 1 - 16 और यहाँ पर 1 गुना 16, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से 3 से भाग, 3 से हम लोग क्या करते, इसको जितना भी आता 16 में गया 15 15/16, इसको हम लोग 3 से भाग करते, तो 5, इतना में भी हम लोग ये गणित बना सकते थे। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं, अभी हम लोगों ने इस सवाल से पहले इसी टाइप के सवाल को देखा था, तो उसी मेथड से हम लोगों को इसको बनाना है। सबसे पहले तो डिफरेंस देखना है, डिफरेंस इज 1, राइट, डिफरेंस इज 1 and we have to get here from the smallest number, from this portion we have to find the smallest number, smallest number कौन सा है, 1/1, और यहाँ पर घटाव करना है 1/101, यहाँ का सबसे बड़ा नंबर लेना है, यहाँ का सबसे छोटा नंबर, और जितना भी आता है उसको हम लोगों को डिफरेंस से भाग करना होता है। तो 101 - 1 कितना हुआ, 100/101। अब हम लोग भाग कितने से देंगे, डिफरेंस से, तो डिफरेंस से देंगे तो वैल्यू कितना आ जाए, 100/101 - 1/1, तो कितना बच जाएगा, वही 100/101 हम लोगों का आंसर होगा। ओके, तो
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट अस डू किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। सभी सवाल एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यह सवाल पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को किस तरह से हम लोग करते हैं। बाय द वे हम लोग इसको माइंड कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन प्लस, हम लोगों को इस तरह का सवाल जब भी करना होता है तो हम लोगों को साइन देखना होता है। ओके, द डिवीजन, ये बड़ा साइन है प्लस से, तो हम लोगों को सबसे पहले डिवीजन का काम करना होता है, भाग का। ओके, तो ये हुआ वन प्लस वन डिवीजन, वन प्लस वन डिवीजन, इसके कितना होगा टू प्लस वन। ओके, तो टू प्लस वन हो गया यहाँ पर हम लोगों का वन, फिर यहाँ पर वन प्लस वन डिवीजन, वन प्लस वन यहाँ पर भाग हुआ, ये कितना हुआ तीन बटा दो। ओके, अब यहाँ पर वन भागा वन प्लस वन भागा वन प्लस वन इंटू टू बाई थ्री। ओके, वन भागा वन प्लस वन डिवीजन, वन प्लस टू वन जो टू और थ्री। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वन भागा वन प्लस वन डिवीजन, और फिर इसका हम लोग करेंगे थ्री, थ्री प्लस टू। अब यहाँ पर वन डिवीजन, वन प्लस वन डिवीजन, अब यहाँ पर हम लोगों का टू और थ्री फाइव, फाइव बाई थ्री। ओके, अब वन डिवीजन, फिर वन प्लस वन डिवीजन, फाइव बाई थ्री, ऐसा हुआ। अब इसको हम लोग यहाँ पर ले जाके करते हैं, ये है वन डिवीजन, अब ये हुआ वन प्लस वन प्लस वन डिवीजन का हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। डिवीजन का जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाता है, तो थ्री बटा फाइव। ओके, थ्री बटा फाइव, वन डिवीजन, वन प्लस थ्री और वन कितना होगा थ्री, इसके बाद फाइव। अब इसका फिर हम लोगों को एलसीएम निकालना है, वन डिवीजन, वन डिवीजन, फाइव और वन कितना होगा सिक्स, सिक्स बटा फाइव। अब वन इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फाइव बाई सिक्स, आंसर कितना हम लोगों का वन और फाइव मल्टीप्लाई करके कितना आएगा फाइव, फाइव बटा सिक्स, आंसर है हम लोगों का फाइव बटा सिक्स। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पर समझना है, वेन एवर वी डू और सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू सी साइंस फर्स्ट। ओके, एंड वी मस्ट हैव आइडिया व्हिच साइन इज ग्रेटर, सो हियर साइन, टू साइंस आर मोस्टली यूज्ड हियर, डिविजन एंड प्लस, सो डिविजन इज ग्रेटर देन प्लस, सो वी हैव टू वर्क फर्स्ट ऑफ डिविजन साइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवीजन का साइन किया पहले, इसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर डिवीजन का साइन किया। तो इस तरह से हम लोगों को इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका आप लोगों को आपको मालूम होना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखने में लंबा है लेकिन एग्जाम से हम लोग को इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, कुछ स्टेप होता है जिसको हम लोगों को स्किप करना होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में हम लोग इतने सवालों को करेंगे और इसी तरह के इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हाँ कमेंट भी कीजिएगा कि व्हाट्सएप सब क्वेश्चन टू राय ब्रिंग ऑन माय चैनल।